नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान महज धक्का लगने के कारण दो पक्षों के बीच पहले तो जमकर विवाद हुआ, इसके बाद फिर हथियार भी चले। इस घटना में दो लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना मंझगवा के वार्ड नंबर 20 की है। 14 अक्टूबर को हुए विवाद का अब वीडियो भी सामने आया है। मंझगवा थाना पुलिस का कहना है कि घायलों की शिकायत पर 5 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 20 में खेलमाई मित्र मंडल समिति के द्वारा दुर्गा जी की स्थापना की गई थी। 13 अक्टूबर की रात को दुर्गा उत्सव चल समारोह और विसर्जन कार्यक्रम था। सैकड़ों की संख्या में मंझगवा के लोग शामिल हुए। रात करीब 1 बजे जैसे ही प्रतिमा गांव के बाहर निकली, उस दौरान समिति के सदस्य अर्जुन वाजपेयी से खेलमाई उत्सव के सदस्य राकेश सेन ने गुटखा मांगा। अर्जुन गुटखा देने पड़ा तो अमित यादव ने जानबूझकर धक्का मार दिया। इस पर अर्जुन ने विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके कुछ देर बाद अमित अर्जुन से यह कहते हुए चला गया कि तुझे देख लूंगा। रात करीब 1:30 बजे जैसे ही दुर्गा चल समारोह तिराहे पहुंचा तो वहां पर अमित यादव के साथ आलोक यादव, अंकित यादव, चंदन और चैन गोलदार अचानक आए और अर्जुन के साथ मारपीट करने लगे। अर्जुन के साथ मारपीट होते हुए एक समिति के सदस्य राजेश ताम्रकार और रूपेश ताम्रकार पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की और फिर वहां से फरार हो गए। विवाद में अर्जुन और रूपेश के सिर, मुंह में गंभीर चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए सिहोरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची मंझगवा थाना पुलिस ने अर्जुन और रूपेश की शिकायत पर अमित यादव सहित अंकित यादव, चंदन, चैन और आलोक के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दिए। मंझगवा थाना प्रभारी पीएल का कहना है कि विवाद का वीडियो भी सामने आया है, उसके आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।